गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने 6.5 में कॉन्सेप्ट देखा था और कुछ सम्स देखे थे। आज ये डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ चैप्टर 6 के वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक 4 मार्कर कंपलसरी आपके एग्जाम में आने ही वाला है और एक शायद 2 मार्कर और 3 मार्कर भी आ जाए इसमें से, छोटा वाला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज को थोड़ा डिफरेंट सेशन होने वाला है, जिसमें मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख कर लाया हूँ और नीचे आंसर आपको PDF में मिल जाएंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलिए शुरू करते हैं। बोला हुआ है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। मैं सपोज कर रहा हूँ लेट x एंड y बी टू नंबर्स। ओके, जैसे बोला है x प्लस y इज इक्वल्स टू 24 एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, तो एक्स डॉट वाई हमारा एफ एक्स हो जाए, हमारा फंक्शन हो जाएगा एक्स डॉट वाई, राइट। उसको मुझे मैक्सिमम करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से वाई को सब्जेक्ट बनाऊंगा 24 माइनस एक्स और इसको यहाँ पर डाल दूंगा, तो मेरा फंक्शन आ जाएगा f of x is equals to x into 24 minus x, तो हो जाएगा 24x minus x square। यह है f of x, right? f of x मुझे फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पर यह मैंने f dash x फाइंड आउट किया, एफ डैश एक्स को 0 से कंपेयर कर दिया, उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, चलिए अब देख लेना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट पे पूछ लेना। ठीक है, और उसके बाद एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, वो स्मॉलर देन 0 आया तो लोकल मैक्सिमम। सो उसके बाद मैंने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहाँ पर, बस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर इन 3 2 1। आज ऐसा ही लेक्चर होने वाला है जिसपे मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगा, इसके आपको आइडिया आ जाए कि क्या करना है, राइट। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस y इज 60 एंड x इंटू y क्यूब इज मैक्सिमम। तो मैं क्या करूँगा, x प्लस y इज इक्वल्स टू 60 दिया हुआ है, तो मैं उसमें से x को सब्जेक्ट बना दूंगा 60 माइनस y और इसको मैं यहाँ पर x इंटू वाई क्यूब में डाल दूंगा, तो मेरा एफ ऑफ वाई फंक्शन आ जाएगा 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 60 वाई क्यूब माइनस वाई रेज टू 4, राइट। बस ये मेरा फंक्शन आ चुका है। इसके बाद मैं एफ डैश एक्स एफ ऑफ एफ डैश वाई एफ डबल डैश वाई करूंगा, और यहाँ पर आप देख लीजिए सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है सब। एफ डैश वाई फाइंड आउट किया, उसके बाद 0 से कंपेयर कर लिया, उसमें से y की 2 पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे नॉट पॉसिबल इसीलिए क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है हमें, यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स दिया हुआ है, सो y इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद मैंने f डैश y फाइंड आउट किया, f डैश y में ये y की वैल्यू डाल दी, वो स्मॉलर देन 0 आई तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, इसीलिए लोकल मैक्सिमम, और x और y की 2 वैल्यू फाइंड आउट कर ली, बस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3 2 1। बट फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट देयर सम इज 35, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 35 हमें दिया हुआ है। इसमें मैं एक्स को सब्जेक्ट बना दूंगा, एक्स इज इक्वल्स टू 35 माइनस वाई, इसको मैं यहाँ पर डाल दूंगा, तो मेरा फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई रेज टू 5, राइट। तो मेरा फंक्शन आ जाएगा 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225 माइनस 70y प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई रेज टू 5, और एफ ऑफ वाई मेरा फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा 1225y रेज टू 5 माइनस 70y रेस टू 6 प्लस y रेस टू 7,
राइट, बस ये हमारा फंक्शन आ चुका है। इसके बाद वही कहानी है, एफ डैश वाई एफ डबल डैश वाई। मैंने यहाँ पर एफ डबल एफ डैश वाई फाइंड आउट किया, यहाँ पर एफ डैश वाई, यहाँ पर एफ डबल डैश वाई। एफ डैश वाई को जीरो से कंपेयर किया, उसके बाद वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। वाई नॉट पॉसिबल यहाँ पर जीरो इसीलिए है क्योंकि पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पर वाई इज इक्वल टू 35 नॉट पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि आप यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है। सो वाई 35 ले लूँगा तो एक्स जीरो आ जाएगा, इसीलिए नॉट पॉसिबल। और यहाँ पर वाई इज इक्वल टू 25 मुझे एक वैल्यू मिल गई है। उसके बाद एफ डबल डैश वाई में ये वाई की वैल्यू डाल दी है मैंने, तो वो स्मॉलर देन जीरो आया, इसीलिए मैक्सिमम तो एक्स और वाई की दो वैल्यू मिल गई है। बस ये सब हमारा सॉल्व हो चुका है। आप फिक्र मत कीजिए, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सब पर। इन 3 2 1, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। एक्स और वाई मैंने दो वैल्यू लिए, एक्स हुज सम इज 16 राइट, और हमें पूछा है सम ऑफ क्यूब्स इज मैक्सिमम। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको मुझे मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करना है राइट। तो मैं इसमें से किसी को भी सब्जेक्ट बना दूंगा, इसको मैं इसमें डाल दूंगा, तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। बस मुझे एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स मिल गया है। इसके बाद आप खुद कर लेना क्योंकि ये ऊपर वाले सम्स जैसा ही है, इसको एक्सपांड करो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और उसके बाद एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट कर लो, आपका सम सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर। इन 3 2 1, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्वायर एक ड्रॉ करता हूँ जिससे कि आपको आइडिया है। ये एक स्क्वायर है 18 सेंटीमीटर का, ये 18, ये 18, ये 18 और ये 18 राइट। अब मुझे एक्स विदाउट, वो जो बॉक्स बनाया ना विदाउट अ टॉप, बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। ये मेरा कॉर्नर है, ये चार कॉर्नर है, उसमें मैं एक्स कट करूंगा, ये एक्स, ये एक्स, ये मैंने कट किया है राइट। इसके बाद मुझे ये लेंथ मिल जाएगी 18 माइनस 2x राइट, कि ये एक्स दोनों बाजू से कट हुआ है ना इसीलिए। तो बस मुझे क्या करना है, व्हाट इज शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो मतलब वॉल्यूम क्या होगा अब, तो वॉल्यूम हो जाएगा 18 माइनस 2x, ये एक साइड पर, और यहाँ पर भी सेम होगा 18 माइनस 2x राइट। 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू एक्स मैंने कट किया है, तो मुझे वॉल्यूम मिल गया है। वॉल्यूम होता है एल क्यूब, यहाँ पर एल हमारा डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 324 माइनस सेवन, सॉरी फ्रेंड, 1 मिनट फ्रेंड, -72x प्लस 4x2, मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्लस 4x2 राइट इंटू एक्स। बस यही तो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो मेरा यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगा 324x माइनस 72x, सॉरी 1 मिनट फ्रेंड्स, हाँ 72x प्लस 4x³। बस ये मेरा फंक्शन मुझे मिल गया है। उसके बाद
आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने फंक्शन है उसका एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, उसको जीरो से कंपेयर किया, एक्स की दो वैल्यू मिली यहाँ पर, उसको उसके बाद मैंने एफ डैश नाइन एफ डबल डैश वाई में दोनों वैल्यूज पुट की है, जिसकी मुझे वैल्यू जीरो लेस देन जीरो मिली ना, वो मुझे मैक्सिमम देगा, इसीलिए एफ इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू थ्री। बस मुझे एक्स वाई वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर, इन 3 2 1। और रेक्टेंगुलर शीट, ये भी सेम टाइप का सम है, उस पर स्क्वायर था, ये रेक्टेंगल है, बस इतना डिफरेंस है दोनों में। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट अ टॉप। बस मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यह रेक्टेंगल, इसको मैं, यह 45 सेंटीमीटर, ये पूरा 45 है और यह है 24। अब विदाउट टॉप बाय कटिंग कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच साइड, ये मैंने कट किया स्क्वायर एक्स 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 मैंने कट किया है, राइट right. अब मुझे पूछा गया है वॉल्यूम व्हाट शुड बी द कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम, मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, बस मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, राइट तो मेरा इतना पोर्शन क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स, और इतना पोर्शन हो जाएगा 45 माइनस एक्स, राइट बस तो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू x इंटू 24 माइनस 2x, सॉरी फिर मैं 2x होगा क्योंकि दोनों बाजू से मैं कट कर रहा हूँ ना, इसीलिए और इंटू 45 माइनस 2x। बस यही तो मेरा f डैश x है, ये f ऑफ x आ गया है मेरे पास फंक्शन x, मुझे ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा एक फंक्शन निकलेगा जो कि हो जाएगा 4x³ माइनस 138x² प्लस 1080x। बस यही तो मेरा फंक्शन है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करने का। एफ डैश एक्स मैंने फाइंड आउट किया, उसको जीरो से कंपेयर कर दिया, उसकी मुझे दो वैल्यूज मिली, ये एक्स इक्वल्स टू 18 इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं 18 अगर यहाँ पर डालूंगा ना 24 माइनस 2x में तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा क्योंकि और जैसे कि हम जानते हैं कि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए नॉट पॉसिबल, राइट। सो मैंने मैक्सिमम पुट कर दिया एफ डबल डैश में, मैक्सिमम पुट कर दिया और मुझे लेस देन जीरो मिला, तो मेरा फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 5। बस ये सम भी सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर, इन 3 2 1। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, मुझे एक फंक्शन सर्कल दिया हुआ है, ऐसा कुछ एक सर्कल है उस पे रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब करने हैं, जैसे कि यह है सर्कल का सेंटर, यह है रेडियस, यह है वाई और यह है एक्स, ये कुछ साइड्स है ऑफ अ ट्रायंगल। अब मुझे क्या करना है, ये पूरा है 2y और ये पूरा है 2x, राइट। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूँ, हो जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल्स टू r², राइट। अब मैं y को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो हो जाएगा अंडर रूट r² माइनस x². मुझे प्रूव करना है कि मैक्सिमम एरिया जिसका होगा वो स्क्वायर ही होगा, राइट। तो अब मैं एरिया फाइंड आउट करूंगा, एरिया हो जाएगा इज इक्वल्स टू l इंटू बी। तो यहाँ पर हमारे पास l और b है 2x
इंटू टू वाई। तो अब मैं वाई यहाँ पर डाल दूंगा, तो एरिया इज इक्वल्स टू टू एक्स इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एरिया को स्क्वायर कर दूंगा तो हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये मेरा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का फंक्शन, फोर एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस फोर एक्स रेज टू फोर। ये हो गया मेरा फंक्शन। अब मैं एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करूंगा, जैसे मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, यह एफ डैश एक्स यह एफ डबल डैश एक्स राइट। एफ डैश एक्स को जीरो से कंपेयर किया, एक्स इज़ जीरो नॉट पॉसिबल क्योंकि वो साइड है, नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। अब मैंने जो मुझे वैल्यू मिली थी उसको मैंने एक्स स्क्वायर फाइंड आउट किया, उसके बाद हमारे पास यहाँ था ना ये इक्वेशन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसी को मैंने नीचे यूज़ किया है। आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर ऊपर वाले इक्वेशन में मैंने डाल दिया है, तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई सो इट्स एक्स स्क्वायर, और वाई की मैंने वैल्यू फाइंड आउट की है। उसके बाद मैंने एफ डबल डैश फाइंड आउट किया था ना, उसमें मैंने एफ ऑफ वाई की वैल्यू डाल दी है जो कि स्मॉलर देन जीरो की वैल्यू दे रहा है राइट। तो एफ इज मैक्सिमम मैंने बोल दिया है एट वाई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई टू। सो बस एरिया मैंने फाइंड आउट किया है फोर एक्स वाई, और एक्स और वाई की वैल्यू है आर बाय रूट टू और आर बाय रूट टू, तो मेरे एरिया मैक्सिमम हो जाएगा टू आर राइट। बस ये सम भी सॉल्व हो चुका है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन थ्री टू वन। शो दैट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें मुझे फंक्शन थोड़ा टफ लगेगा बनाने में, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ क्यों लगेगा टफ। आप देखिए सबसे पहले गिवन सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया गिवन है, एस मैं लिख सकता हूँ सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस सर्कुलर सिलेंडर कुछ ऐसा होता है, ये सर्कुलर ये सर्क एक वन मिनट फ्रेंड्स, ये सर्कल की तरह एक्ट करता है दो बार, तो इसका सरकमफेरेंस और ये हाइट वाला राइट। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एस इक्वल टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर राइट। तो एस माइनस टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एच, मैं यहाँ पर हाइट को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, हो जाएगा एस माइनस टू पाई आर स्क्वायर अपॉन टू पाई आर। मुझे हाइट की वैल्यू मिल चुकी है, अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है राइट। चलिए वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करते हैं, अब वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, सर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर एच की वैल्यू डाल दूंगा तो हो जाएगा एस माइनस टू पाई आर स्क्वायर अपॉन टू पाई आर। कुछ कट हो रहा है तो कट करेंगे, ये आर एक पाई कट हो गया, तो मेरा आंसर हो जाएगा वन बाय टू आर एस माइनस टू पाई आर क्यूब राइट। अब ये जो है वो मेरा वॉल्यूम है, वही मेरा फंक्शन आर के रिस्पेक्ट में है, वन बाय टू आर एस माइनस टू पाई आर क्यूब। अब मैं एफ डैश आर फाइंड आउट करूंगा, एफ बस मुझे फंक्शन मिल चुका है, अब मैं नीचे आपको सॉल्यूशन में आंसर दिखा रहा हूँ राइट। मुझे एफ एफ ऑफ आर मिल चुका है, ये रहा, उसके बाद मैंने एफ डैश आर फाइंड आउट किया, उसको मैंने जीरो से कंपेयर किया है, और आर स्क्वायर की मुझे वैल्यू मिल गई राइट। आर स्क्वायर की वैल्यू मिलने के बाद
एफ डबल डैश आर्क में वो वैल्यू वैल्यू पुट कर दी जो कि स्मॉलर देन जीरो की वैल्यू दे रहा है. सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस अपॉन सिक्स पाई. सो अब एस में एस इक्वल्स टू सिक्स पाई आर स्क्वायर मुझे वैल्यू मिल चुकी है यहाँ से. अब मुझे एस की वैल्यू पुट करनी है जो कि है टू पाई आर इंटू एच प्लस आर, राइट. अब कुछ सब काट कूट करने के बाद एच इज इक्वल्स टू टू आर आ गया है. तो मुझे वही प्रूव करना था, हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ बेस, राइट. ये सम भी सॉल्व हो चुका है. चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1. चलिए. ऑफ ऑल द क्लोज सर्कुलर कैंस, सिलेंड्रिकल कैन, जो सिलेंड्रिकल कैन है मेरे पास, ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर. वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 100 दिया हुआ है, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 100. मैं एच को सब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पर, तो जगह 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, राइट. फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया. सरफेस एरिया होता है 2πRh प्लस 2πr², राइट. अब इसमें मैं h की वैल्यू डाल दूंगा तो मेरा सरफेस एरिया यहाँ पर आ जाएगा 2πr इंटू 100 अपॉन πr² प्लस 2πr², राइट. तो मेरा सरफेस एरिया कुछ कट करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा 200 अपॉन आर प्लस 4πr, राइट. ये मुझे सरफेस एरिया मिल चुका है. यही मेरा फंक्शन है आर के रिस्पेक्ट में, एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू 200 अपॉन आर प्लस 4πr, राइट. ये सब पे सॉल्व हो चुका है. अब मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको मैंने क्या किया है. एफ डैश आर फाइंड आउट किया, मैंने एफ डैश आर फाइंड आउट किया, उसके बाद एफ डबल डैश आर फाइंड आउट कर दिया, उसको एफ डैश आर को जीरो से कंपेयर किया, आर की वैल्यू फाइंड आउट की, उसको मैंने एफ डबल डैश आर में प्लेस कर दिया जो कि मुझे ग्रेटर देन जीरो दे रहा है. तो एफ ऑफ आर इज मिनिमम ऑफ एफ आर, और एफ ऑफ आर हमारा था सरफेस एरिया. सो सरफेस एरिया इज मिनिमम, बस यही तो मुझे प्रूव करना था. और अब मैं एच की वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा यहाँ से. एच की वैल्यू मिल चुकी है, अब देख लेना. ले आपको आप फिक्र मत कीजिए फ्रेंड्स, आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप देख लेना. चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर 3, 2, 1. अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीसेस. ये एक वायर है फ्रेंड, 28 सेंटीमीटर, और उसको मुझे इंटू टू पीसेस, वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इंटू अ स्क्वायर. ये मैंने दो पीस किए हैं, वन इज टू बी मेड ऑफ अ स्क्वायर. सो स्क्वायर की फोर साइड्स होती है, तो मैं एक पार्ट पे से चार पीस करूँगा. तो है एक्स 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 और एक्स, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा 28 माइनस 4x, राइट. चलिए, मुझे एक स्क्वायर मिल चुका है और दूसरा मुझे सर्कल बनाना है, राइट. ये है एक्स 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 और एक्स, और ये वाला है रेडियस ऑफ सर्कल, और ये रेडियस सर्कमफेरेंस है. तो 2πr जो कि है सर्कमफेरेंस, और 2πr होगा कितना, यही वैल्यू जितना, राइट, है ना. तो 2πr के मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 28 माइनस 4x. अब मुझे r को सब्जेक्ट बनाना है, तो हो जाएगा 14 माइनस 2x अपॉन पाई. मैंने कट करने के बाद आंसर लिखा है, आप देख लेना. चलिए, अब मुझे फंक्शन बनाना है. मुझे क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज मिनिमम.
तो मुझे एरिया फाइंड आउट करना है मिनिमम। एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सो मैं आर की वैल्यू डाल दूंगा तो हो जाएगा 14 माइनस 2x अपॉन पाई का होल स्क्वायर, राइट। तो मुझे एरिया मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 14 का होल स्क्वायर अपॉन पाई, राइट। ये है मेरा एफ ऑफ एक्स का फंक्शन, फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 14 का होल स्क्वायर अपॉन पाई, ये मेरा फंक्शन है। अब मैं आपका आंसर नीचे दिखा रहा हूँ, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स, राइट। ये मेरा एफ डैश एक्स मैंने फाइंड आउट किया, उसके बाद एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स को 0 से कंपेयर किया, उसके बाद मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मैंने उस स्क्वायर पीस में डाल दी एक्स की वैल्यू, तो मुझे सर स्क्वायर पीस का एरिया मिल गया इतना और सर्कुलर पीस मिल गया इतना, राइट। बस यही तो मुझे फाइंड आउट करना था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर। अब देख लेना लिंक के डिस्क्रिप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर। इन 3 2 1, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्पीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। सबसे पहले मुझे ये बहुत ही बढ़िया सम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है, राइट। IMP, ये मेरे पास एक सर्कल है, कोन को मैं इंस्क्राइब कर रहा हूँ अंदर, अंदर कोन को मैं इंस्क्राइब किया है। अब कोन की हाइट होती है ये वाली, ये है हाइट और ये है रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। तो मेरा इतना लेंथ कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा एच माइनस आर, क्योंकि ये भी तो आर है ना फ्रेंड्स, ये भी तो सर्कल का रेडियस है ये वाला, राइट। ओके, और ये हो जाएगा एक्स, एक्स है सर्कल रेडियस ऑफ कोन। चलिए ये सब को मैं समझा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक्सपांशन करने के बाद एच स्क्वायर माइनस 2 एच आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और ये कट हो जाएगा, तो मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। वन मिनट फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, ये एक्स नहीं है, ये है आर, स्मॉल आर, राइट। तो यहाँ पर ये स्मॉल आर, तो मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी 2 एच आर माइनस एच स्क्वायर। चलिए अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, तो मुझे वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 πr² h, क्योंकि कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h। अब उसमें से मैं आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो हो जाएगा 2 h r माइनस एच स्क्वायर एच। तो मुझे एफ ऑफ एच का फंक्शन मिल जाएगा π/3 × 2 h² r माइनस एच क्यूब, राइट। बस अब मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स मैंने फाइंड आउट किया, राइट। ये रहा एफ डैश एच, उसके बाद एफ डबल डैश एच, एफ डैश एच को 0 से कंपेयर किया है और उसमें से एच की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, उसको मैंने एफ डबल डैश एच में डाल दिया है। सो
सो विच इज स्मॉलर देन जीरो, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, राइट। अब मैंने वॉल्यूम एक्चुअली फाइंड आउट किया है यहाँ से, अब वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जो होगा ना वो कोन का वॉल्यूम है, क्योंकि मैंने ऊपर कोन का वॉल्यूम यहाँ पर लिया है 1/3 πr² h, राइट। तो उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मुझे 4/3 πr³ कॉमन ले लिया, जो कि होता है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, और मुझे 8/7 ब्रैकेट में बच रहा है, वही होगा। और ये वॉल्यूम 4/3 πr³ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, राइट। बस तो मैंने लिख दिया यहाँ पर और मेरा सम भी सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर। इन 3, 2, 1, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम मुझे गिवन है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/π, 1/3 πr² h, राइट। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन है, उसमें मैं एच को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, 3v/π r² h, π r², राइट। अब मुझे कोन का कर्व सरफेस एरिया चाहिए, उसका फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर एक कोन ड्रॉ कर रहा हूँ और उसको मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। ये हमारे पास एक कोन, ये स्लांट हाइट, ये है हाइट h और ये है r, राइट। ये r, ये है परपेंडिकुलर। अब सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है πr l, और l की जगह मैं पाइथागोरस थ्योरम लिख सकता हूँ, l² = r² + h² सो l = √r² + h² सो πr l की जगह पर अंडर द रूट ऑफ r² + h² राइट। अब मैं सरफेस एरिया को स्क्वायर कर रहा हूँ तो हो जाएगा πr² r² × r² + h² राइट। अब s² पर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हो जाएगा r² = π² r² h² यही मेरा f ऑफ r का फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद जो मैंने फाइंड आउट कर लिया है, उसके बाद मैं h की जगह पर ये वैल्यू रख दूंगा जो कि मैंने यहाँ पर फाइंड आउट की है, राइट। तो π² r² + π² r² × 3v/π r² अब मैं कुछ कट करने वाला हूँ यहाँ पर, r² r² कट, π π कट, तो मेरा s² हो जाएगा π² r² + π 3 π v, बस यही तो मेरा f ऑफ r का फंक्शन है, π² r² + 3 π v, राइट। ये चल मैं आपको समझा रहा हूँ, अब f' r और f" r फाइंड आउट करके। ये मेरा यहाँ पर मुझे f' r फाइंड आउट किया है मैंने, उसको मैंने 0 से कंपेयर, उसके बाद f" r फाइंड आउट किया है जो कि मुझे पॉजिटिव मिल गया। सो कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम, क्योंकि ग्रेटर देन f" r ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो वो मिनिमम हो जाता है फंक्शन, राइट। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज उसको जाके देख लो, क्योंकि उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है पूरा, जो इसकी थियरी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस लेक्चर को समझने के लिए, राइट। चलिए उसके बाद f' r को 0 से कंपेयर किया है मैंने, उसके बाद r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, उसको मैंने ऊपर वाले यहाँ पर रख दिया है इक्वेशन में, ऊपर वाले इक्वेशन में रख दिया है, राइट। बस थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मुझे ये वैल्यू मिल रही है h = √2r, बस वही तो मुझे प्रूफ करना था। चलिए ये सम भी सॉल्व हो चुका है, चलते हैं नेक्स्ट सम पर। इन 3, 2, 1, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ।
यह है कोण और सेमी वर्टिकल एंगल है ये वाला, ये वाला है अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, मैं सपोज कर रहा हूँ अल्फा, ये हाइट, ये प्लांट हाइट और ये है आर, राइट, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन प्लांट हाइट, प्लांट हाइट गिवन है, तो इसके लिए मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ यहाँ ट्राइंगल में, तो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, राइट। इसके बाद मैं आर स्क्वायर को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और वॉल्यूम को मुझे मैक्सिमाइज करना है, मेरा वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वी इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, वी इज इक्वल टू 1/3 टू पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब, राइट। अब बस मुझे एफ ऑफ एच का फंक्शन मिल चुका है, बस अब आपको मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे सॉल्व किया है इस सब को। सबसे पहले एफ डैश एच फाइंड आउट किया, उसको जीरो से कंपेयर किया, उसके बाद एल की वैल्यू निकाल दी, सॉरी एच की वैल्यू फाइंड आउट की है, उसको मैंने एफ डैश एच में डाल दिया, राइट, एफ डबल डैश एच में डाल दिए, जो कि मुझे स्मॉलर देन जीरो वैल्यू दे रहा है, स्मॉलर देन जीरो, तो वॉल्यूम मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने आर की वैल्यू फाइंड आउट की, और ये जो आर बाय एच क्या था, यहाँ पर देखिए टेन अल्फा लिख सकता हूँ आर बाय एच की, टेन अल्फा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेन अल्फा इज इक्वल्स टू आर बाय एच, राइट, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर टेन अल्फा लिख दिया है, और मैंने अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट की है विच इज टेन इनवर्स रूट टू, राइट। ये सम भी सॉल्व हो चुका है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्क्यूलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स, ये है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर साइन इनवर्स है, राइट, ऑफ गिवन सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन है, मैं आपको वापस ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, यह आर, यह एच, यह स्लांट हाइट और यह अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल, राइट। अब सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो उसको मैं अब आर को सब्जेक्ट बना रहा हूँ इस पे, सॉरी वन मिनट फ्रेंड, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई आर एल, राइट। अब मैं एल की जगह पर, यहाँ जो एल है ना उसकी जगह पर यहाँ ट्राइंगल में से एच स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट, उसको मैं एल की जगह पर यहाँ पर लिख दूंगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एस माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई आर इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब दोनों साइड पर स्क्वायर कर दूंगा, वन मिनट, पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। अब थोड़ा एक्सपांड करेंगे तो हो जाएगा एस माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू फोर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर
एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेस टू 4। चलिए अब मुझे हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे उतना हमने किया है। इसके बाद हम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है यहाँ पर, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने वाला हूँ, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। और अब यहाँ पर मैं दोनों को साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 9 आर रेस टू 4 एच स्क्वायर। और यहाँ से मैं एच स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा कुछ एच स्क्वायर कुछ मिल जाएगा मेरे पास, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर रेस आर स्क्वायर, राइट। अब इसको मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 9 आर रेस टू 4 इंटू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, राइट। बस यही तो मेरा है एफ ऑफ आर का फंक्शन। बस ये फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद, उसके बाद मैंने एफ डैश आर फाइंड आउट किया, एफ डबल डैश आर फाइंड आउट किया, एफ डैश आर को 0 से कंपेयर किया, और आर इज इक्वल टू 0 एक बार जो आ रहा है तो वो नॉट पॉसिबल, और उसके बाद जो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई वैल्यू मिल रही है उसको मैंने एफ डबल डैश आर में डाल दी, क्योंकि मुझे स्मॉलर देन 0 वैल्यू दे रहा है, राइट। सो smaller than 0, so volume is maximum. उसके बाद surface area मैंने find out किया, यहाँ पर surface area को मैंने लिखा है, right? उसके बाद मैंने थोड़ा simplification किया, और यह आ रहा है 3R is equals to L. So, sin alpha is equals to R by L. So, sin alpha है 1/3, right? यहाँ से. Okay? साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। चलिए ये सब भी सॉल्व हो चुका है, इसी के साथ इस एक्सरसाइज को एंड करते हैं, और इस लेक्चर को भी, बाकी के जो प्रॉब्लम सम्स है मिसेलेनियस एक्सरसाइज 6 के वो पहले आएंगे उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन के पहले, इसी यही सेगमेंट कंटिन्यू होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो और ये प्रॉब्लम सम जैसे वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर एक 4 मार्कर कंपलसरी आने वाला है आपकी एग्जाम में। चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।